Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, बच्चों आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM. व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? सो फर्स्ट यू कैन टेक द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6. तो 4 एंड 6 का सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या आएगा जो दोनों के टेबल में आएगा, जैसे 4 3 या 12, 6 2 12, फर्स्ट वन इज 12, नेक्स्ट वन इज 24, नेक्स्ट वन इज 36. आपने कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा था, उसी में सबसे पहले जो लीस्ट वाला होता है वही हमारा जो है LCM कहलाता है, उसे हम लोएस्ट भी कह सकते हैं. कह रहे हैं विच इज द लोएस्ट ऑफ दीज, इट इज 12. वी से दैट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12. इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ द नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि इन दोनों के दोनों फैक्टर होंगे हमारे 12 के, ठीक है, और वो लोएस्ट नंबर होगा. तो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट, यानी वो लोएस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट या लीस्ट भी कह सकते हैं हम इसे, ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स में से, तो वो कहलाते हैं हमारा LCM. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर. सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की. द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. द LCM ऑफ 8 एंड 12 हम फाइंड आउट कर रहे हैं. LCM ऑफ 8 एंड 12, सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ये सेम वैसे ही मेथड है जैसे हमने SCF किया था. 8 के मल्टीपल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 12, 2 इंटू 2 इंटू 3. अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, एक 2 है, एक अनदर 2 है, ये दो कॉमन नहीं है. हम SCF में ये चीज़ हटा देते हैं, यानी ये चीज़ हम नहीं लेते हैं, बट LCM के लिए हमें ये चीज़ भी लेनी पड़ती है जो नंबर्स रह जाते हैं. जैसे सबसे पहले कॉमन क्या है, एक 2 और अनदर 2, उसके बाद ये जो 2 और 3 बचा है वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये LCM बन जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12. दिस इज द मेथड टू सॉल्व द LCM by simple way. Simple तरीका है जिससे आप solve कर सकते हैं LCM का. एक और another method बताने जा रहा हूँ मैं आपको. Example number 11. Find the LCM of 20, 25 and 30. देखिए ध्यान से, ये दूसरा method है इसका. इससे भी आप try कर सकते हैं, और जैसे हम SCM निकालते हैं वैसे भी try कर सकते हैं prime factorization निकालने के बाद. ये इसका दूसरा method है. सबसे पहले आप नंबर्स लिखेंगे इसमें कॉलम की टाइप में, 20, 25, 30. सबसे पहले लीस्ट नंबर से जो ही जिनसे ये डिवाइड हो जाए, सबसे पहले चेक करिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है. बिल्कुल, आप 20 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 टेंस 20, 25 नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर देना, ऐसे ही लिख दीजिए. बिल्कुल, 2 15 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 15 आएगा. आगे देखिए, 2 5 ज़ा 10, 25 फिर डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 25 ऐसे लिखा जाएगा, ना ही 15 होगा वो भी ऐसे लिख दिया जाएगा. अब आप देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 5 25 15. तो अब हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो हम 3 5 ज़ा 15 लिखेंगे, बाकी 5 और 25 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे. अब हमारे पास नंबर है 5 25 5, तो ये नंबर अब किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. अब हमारे पास सिर्फ एक 5 रह गया जिसके नीचे 1 आना चाहिए. देखिए 5 1 ज़ा 5, बाकी सबके नीचे 1 था हमारे पास. ये अब अनदर मेथड है इसका सॉल्व करने का. ये जो नंबर्स आए हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में, इन्हें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपके पास डायरेक्ट LCM निकल के आ जाएगा. जैसे LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 5 ज़ा 300. इट मीन्स 300 इज़ द LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
20, 25 एंड 30। कुछ बच्चे इसे मल्टीपल से भी निकालते हैं, जैसे 20 का मल्टीपल निकलेंगे 10 तक, 20, 40, 60, 80, 100, फिर 25 का लिखेंगे, फिर 30 का, फिर दोनों में, तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वही एलसीएम कहलाएगा। एक वो भी मेथड बिल्कुल करेक्ट है। तो अब तक मैंने आपको थ्री मेथड समझाए हैं एलसीएम निकालने के। फर्स्ट वन इज दिस, अनदर वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक आप कॉमन मल्टीपल से भी फाइंड आउट करा सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको एलसीएम अब तक समझ में आ गया होगा। अब आप ट्राई करेंगे खुद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।